हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग सीडीपी का समझ लीजिए कि वन शॉट में पूरा का पूरा जो सीडीपी है उसको कंप्लीट करने की एक पहल चला रहे हैं और ये उस कड़ी में आज मान के चलिए कि तीसरा वीडियो है। दोस्तों, मैंने लगभग 90-95 के आसपास आप लोग को वैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनके जो प्रेरणा दर्ता है, मतलब जिन्होंने भी प्रतिपादित किया उसको, उन सभी का नाम मैंने आप लोग को याद कराया हुआ है, जिसमें तीन वीडियो बने हैं। आप उन लोग को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा वहां से मान के चलो कि 4 से 5 सवाल आप लोग के डायरेक्ट आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो हमने 2 वीडियो और बनाया था, जिसमें जितना भी पूरा सीडीपी है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं उन सबको हमने एक साथ इकट्ठा करने का, संग्रहित करने का कार्य किया। और ये उस कड़ी का आज तीसरा वीडियो है। मतलब कुल मिला के आपको सर 6 वीडियो देखने हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोज भी नहीं है। उनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी स्टूडेंट पूरे में लगभग पूरे क्वेश्चन को वहां पर डील करके आ सकता है, या आपको पेपर में ऐसे बहुत से सवाल दिखेंगे जिसको आप पढ़े हुए रहेंगे, ऐसा आपको पेपर हॉल में बैठने पर आभास होगा। तो चलिए हम लोग आज की कड़ी को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें भी आप लोग बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव बातों को देखेंगे, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो भैया बढ़िया से पढ़ना है। चलिए, बुद्धि परीक्षण और उसकी विविध परिभाषाएं। आज के क्लास में हम लोग प्रमुख रूप से किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे अब ये बुद्धि परीक्षण का बात आ गया, फिर अधिगम का बात आ जाएगा, उनके ऊपर जो वैज्ञानिक वक्तव्य हैं उनको जानेंगे। साथ ही साथ में आप सबको पता है कि कुछ हम मनोविज्ञान के अंदर बड़े सारे हम लोग त्रुटियों को पढ़ते हैं या बीमारियों को पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर अक्सर 1 ना 2 सवाल तो आना ही आना है। तो मैं सारे के सारे चीजों को एक साथ आप लोग को इस वीडियो में कवर करा के दे दूंगा, ठीक है। चलिए, यहां पर ध्यान दीजिए, वीवी सामंत के अनुसार, वीवी सामंत जो कि भारतीय ही मूल के आपके व्यक्ति हैं, कि भारत के लिए बुद्धि परीक्षण कोई नई बात नहीं है, ठीक है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में यत्र तत्र रूप से बुद्धि परीक्षण का उल्लेख मिलता है। कैसे मिलता है, तो भैया देखिए, कठोपनिषद जो है उसमें यम और नचिकेत कि क्या मिलते हैं, संवाद मिलते हैं, मतलब जो एक दूसरे की बुद्धि से तुलनात्मक कर रहे होते हैं। फिर छंदोग्य उपनिषद में अरुणी और उद्दालक के बीच का संवाद मिलता है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो बृहदारण्य उपनिषद है उसमें राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य एवं उत्तर वैदिक कालीन जो विदुषी थी महिला गार्गी, बहुत फेमस संवाद है ये, के बीच तत्व मीमांसीय, तत्व मतलब ईश्वर, जीव, जगत या दार्शनिक प्रश्नों के बीच का संवाद मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धि परीक्षण है भारत में बहुत पुराने समय से चल रहा है, वेदों उपनिषदों में समय समय पर ऐसे बहुत से उदाहरण मिल रहे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, भारत में समय समय में बुद्धि की तुलनात्मक अध्ययन भी की गई है। अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं भी होती थी जिसमें विद्वान विदुषी सब एक दूसरे के साथ अपने अपने बुद्धि का परिचय देते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बुडवर्थ के शब्दों में, ध्यान देंगे सभी लोग। बुडवर्थ के शब्दों में बुद्धि कार्य करने की एक ऐसी विधि है, ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये बुडवर्थ के शब्द हो गए। बर्किंगम के अनुसार अगर आप देखते हैं सर, बर्किंगम के अनुसार, तो उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि सर बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या सर, सीखने की योग्यता है। कई बार इसके सीधे वक्तव्य पे क्वेश्चन आ जाएगा, भाई लिख देगा आप लोगों को क्वेश्चन में, बुद्धि सीखने की योग्यता यह कथन किसका था, ऑप्शन में डाल देगा, थ्रस्टन थे, थॉर्नडाइक थे, बर्किंगम थे आपके, और ये बुडवर्थ थे। तो ध्यान में रखना पड़ेगा, एक एक को सेक्शन को ध्यान में रखना है। टर्मन ने क्या कहा था, टर्मन जिनने बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क भी किया है, कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये किसके शब्द है सर, टर्मन ने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वहीं पर प्रिंटर कहते हैं कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, इसके बाद आपको बस जीवन काटना रहता है, अनुभव के द्वारा आप लोग जीवन अपना गुजारेंगे, पर बुद्धि का नया सिरे से सृजन नहीं होगा। थॉर्नडाइक के जो शब्द थे, थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। बड़ी गंभीर बात बोल दी थॉर्नडाइक ने, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही क्या कहलाता है सर, बुद्धि कहलाता है। मैकडीवल जो कि आप सबको पता है कि मूल प्रवृत्तियों में इनका बड़ा योगदान है, तो मैकडीवल जो है उन्होंने, उनके शब्द थे कि बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। जैसे मान लीजिए अतीत में हमसे कुछ गलतियां होती हैं,
ठीक है, तो आप उस पर सुधार लाएंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ड्राइविंग सीखा बट आपसे भूलवश किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको सुधार लाने की जरूरत है कि नहीं है, कि वैसे ही लोगों को उड़ाते फिरते रहोगे? नहीं ना। तो हमारी अतीत की गलतियों से जब हम अपने जन्मजात जो भी हमारे वो रहते हैं, गुण रहते हैं, उनमें सुधार लाए या परिवर्तन लाए, तो वही चीज है मैकडूगल के शब्दों में, वो क्या था, बुद्धि था। ये नहीं कि फिर दोबारा भी एक्सीडेंट करो किसी का, उड़ाते रहो लोगों को रोड पे। अल्फ्रेड बी ने भी बुद्धि परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण नाम ना, बुद्धि बोध पर आधारित होती है, बड़ा सिंपल सा नाम है, ठीक है, बीने बोध से याद रखना। बुद्धि बोध का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड बी ने। तो ये थे हमारे कुछ वक्तव्य जो बुद्धि परीक्षण एवं विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित हैं। सीधा सीधा इन पर सवाल पूछ सकते हैं ना सर, सीधा सीधा सवाल। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक के बारे में कुछ बातें। हालांकि मैं पिछले लेक्चर्स में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो साइंटिफिक जो थ्योरीज हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर मैंने, या जो मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांतों को, उनकी रचनाओं को सब कुछ मैंने पहले भी पढ़ाया है। इस सेशन में हम लोग कुछ और वैज्ञानिकों को, हम लोग मनोवैज्ञानिकों को जोड़ लेते हैं। पहला है थॉर्नडाइक, आप सबको ये याद रखना है, सवाल सीधा पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है सर, थॉर्नडाइक यूनाइटेड यूएसए से रिलेटेड है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से। 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, क्या की थी 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नाम की बुक लिखी थी। चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, ये दूसरा पॉइंट है, मान लो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, जिसमें तीन वर्ग को वर्गीकृत किया, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा प्रत्यक्ष। बुद्धि के तीन प्रकार भी उन्होंने बताए, कौन कौन से सर, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है। और अधिगम के उन्होंने दो प्रकार बताए, एक था मुख्य नियम, दो नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में क्या कहता है, तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम। वहीं जो गौण नियम है ये बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरणों का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड, थॉर्नडाइक। महत्वपूर्ण सवाल यही पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन, सर थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक की मैंने कम से कम 7 से 8 रचनाओं को आप लोग के बीच में, या उनके जो भी थ्योरीज थे उनके आप लोग को मैंने याद करवाया था, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसको भूले से भी नहीं भूलने वाले, ठीक है। चलिए तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव बातें हो गई। इसके अतिरिक्त ध्यान से देखेंगे, बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताया, थॉर्नडाइक के शब्द क्या थे, बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताया। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, आप सबको पता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया सर, थॉर्नडाइक। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया था, तो सर बीने ने। द्विखंडीय और त्रिखंडीय सिद्धांत आप सब लोगों को पता है स्पीयरमैन ने दिया था। तो ये सब याद रखना है भाई, पहले भी हमने किया है अपने प्रयोग में, ठीक है, चलो कोई नहीं। अधिगम का प्रयोग सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, ये सब इंपॉर्टेंट है ना सर, सब करा चुका हूं मैं। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको स्टिमुलेटिंग रिस्पॉन्स कहते हैं, SR थ्योरी के नाम से जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं या उनकी कृतियां हैं, किसकी, थॉर्नडाइक के, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। एक भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोग को पहले से याद नहीं होगा, सारा का सारा मैंने आप लोग को न्यूमेनिक्स बना के आप लोग को याद कराया था, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी में एक नाम याद रखना, जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में समझ लेना, संज्ञानवाद के वो जनक है, ठीक है, और उनकी ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे ऐसा तो संभव ही नहीं है। फिलहाल के लिए जेएस ब्रूनर को देख ले, जो कि संज्ञानात्मक विकास के सृजन करता है, जेएस ब्रूनर, ठीक है, विकास, ठीक है। अमेरिकन निवासी मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के एक नए सिद्धांत की खोज की थी। ब्रूनर ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास के एक नए सिद्धांत की खोज की थी। हालांकि उनका यह सिद्धांत कहीं कहीं पियाजे से मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने बोला ना संज्ञानात्मक जो बात था उसके एक्चुअल में जनक कौन थे, पिता कौन थे, तो सर जीन पियाजे जी थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए। पहला चरण जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, पहले चरण को हम नाम देते हैं क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट। और इससे प्रारंभिक अवस्था, जन्म से 1.5 साल तक बालक अपनी अनुभूतियों को क्रियाओं के अनुसार व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए बालक को भूख लगती है तो रोने लगता है,
ठीक है, उसको शौच आता है या मान लीजिए कि उसका जो भी है पेट खराब रहता है, तो भैया वो रो के या एक्सप्रेशन में चिड़चिड़ा के उन चीजों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, या सर नो। तो बालक जो रहता है 1.5 साल तक की उम्र वाला, वो अपनी अनुभूतियों को क्रियाओं के अनुसार व्यक्त करता है, जैसे दूध की बोतल देख के मुंह चलाना, हाथ बढ़ाना, ठीक है, कोई लाड करने जाएगा तो उसको ऐसे प्यार से करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेट। इस अवस्था में बालक को ज्ञान, दृष्टि, स्मृति या इमेज के आधार पर होता है, ये लगभग मतलब पूरा अनुकरण पे है, पूरा अनुकरण पे है, लगभग 2 साल तक की उम्र या 18 से लेकर 24 माह तक रहती है। यह अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता है। आप सबको पता है जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, पहला हमारा कौन सा था, तो सर आपको संवेदी पेशी अवस्था था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, फिर अमूर्त अवस्था था, मूर्त अवस्था था, ये 4 अवस्थाएं होती थी, ठीक है, जो जीन पियाजे ने प्रतिपादित की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, संज्ञानात्मक अवस्था, जिसको हम लोग सिंबॉलिक स्टेज के नाम से जानेंगे, ठीक है। यह अवस्था 7 वर्ष की अवधि तक होता है, इसमें संकेतों के प्रयोग से बालक की संज्ञानात्मक शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में बालक संकेत या भाषा को अपनी अनुभूतियों में व्यक्त करता है, मतलब यहाँ पर बोलने चालने भाषा की उसमें गुण आने लगते हैं। एक सवाल और पूछता है, भाषा विज्ञान के जनक कौन है भाई, याद आ रहा, नॉम चॉम्स्की, भाषा आया मतलब नॉम चॉम्स्की, याद आना चाहिए, ठीक। अगला सवाल मतलब अगला कॉन्सेप्ट, अब आएंगे फ्रायड के ऊपर। तो फ्रायड का जो सिद्धांत था, फ्रायड ने जो भी हमारी संवेदी क्षमता होती है या जो संवेदना होती है, उनको 3 वर्गों में बांटा था। पहला था आईडी, आईडी इसमें क्या था, इच्छाओं की जननी मानी जाती है, जन्मजात पूर्णता, और ये सुखवादी या पशुता को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मान के चलिए कि आप लोग अचानक से कोई बहुत खूबसूरत चीज देख लेते हो, बहुत खूबसूरत मान लीजिए कोई शो पीस देख रहे हो, तो लगता है ना यार काश ये मेरे पास होता। फिर दिमाग में थोड़ा सा ऐसा भी जाता, अगर हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मन में थोड़े बुरे विचार आते हैं, इसको कैसे भी मैं पालूं, इसको कैसे भी मैं चुरा लूं, इस टाइप का रहता है। तो ये क्या रहता है, सुखवादी और पशुता बोला जाता है, सपनों की दुनिया है, उचित अनुचित का इसमें ज्ञान नहीं रहता है, है ना, समझ में आ रहा है बैठ। जैसे अब मान लीजिए किसी को हाथ में गन पकड़ा दो तो उसके दिमाग में यही जाएगा, गोली मार देता हूं किसी को। जबकि वो जो चीज बनाई जाती है हमेशा मेन काइंड के पर्पज से बनाई जाती है, ठीक है, बट वही है कि इंसान के अंदर की जो क्षमता ही है ना, वो पहले नेगेटिविटी को अडॉप्ट करती है। क्यों, क्योंकि यही आपके जो फ्रॉयड थे, सिगमंड फ्रॉयड, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं ये, तो इनको याद रखना। इन्होंने 3 स्टेज में मानव की सारी प्रवृत्ति को समझाने की कोशिश की। पूर्वजों की स्मृति अवशेषों का भंडार रहता है आईडी। ईगो क्या होता है, यह वास्तविक आईडी और सुपर ईगो के बीच का सामंजस्य अवस्था है, इच्छाओं की वास्तविकता के बीच का नियंत्रण। जैसे अब मान लो हम लोग को दिखता है, ठीक है, कि मान लो मेरे सामने कोई एक बहुत खूबसूरत सी चीज रखी हुई है, तो मन करता है कि यार चलो ठीक है अपन उसको पाले। पहला तो आईडी में मतलब पूरे पूरे बुरे बुरे विचार आएंगे कि यार कैसे भी उसको अपन अडॉप्ट कर ले, अपने पास हो जाए वो चीज। फिर तुरंत क्या होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा ना आपका दूसरा इमेज सामने लाता है कि अरे यार अगर ये बात, अगर मान लीजिए हमने चोरी की, ये बात हमारे घर में पता चलेगी, हमारे माता को पता चलेगी, पिता को पता चलेगी, तो उनको कैसा लगेगा। तो ये जो उस समय सिग्नल्स आते हैं ना, ये ईगोस के कारण आते हैं। और सुपर ईगो सबसे अंत में विकसित होने वाला नैतिक और आदर्शवादिता, नैतिकता, पछतावा, संस्कार आदि। ये देखो सुपर ईगो के अंतर्गत क्या हुई है, भैया जब आपको ये एहसास होगा कि नहीं यार घर में पता चलेगा तो कैसा होगा, या मान लीजिए आदमी ने किसी के साथ धोखा किया, छल किया, दुख दिया उसको, तो बाद में अपने आप एक भावना तो जरूर आती है कि मैंने गलत तो किया है, ठीक है। हालांकि आप बार बार गलत करते रहोगे, फिर आदमी आदत पड़ जाता है, प्रो प्लेयर बन जाता है उस मामले में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपको नैतिक या आदर्शवाद जो मिलता है, वो किसके कारण मिलता है, सुपर ईगो, ठीक है। वहीं पर आदमी खुद को क्या करता है, संभाल लेता है। बाकी देखिए, उन्होंने इनको 3 मनों में विभाजित किया था, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन में वर्तमान और तात्कालिक ज्ञान होता है, अर्ध चेतन जीव लड़खड़ाना, भूल जाना, पुनः चेतना में लाया जा सकता है, ठीक है। और अचेतन का मतलब होता है, ये सबसे बड़ा भाग है, जो दमित इच्छा है, जिसके अंदर आपकी सारी भी ऐसी इच्छाएं छुपी रहती हैं जो आपने खुद खत्म कर दिया है, ठीक है। काम शक्ति पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता है, ये साफ साफ है फ्रॉयड के 3 मन की अवस्था है, जिसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन में उन्होंने वर्गीकृत किया था। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट,
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, क्योंकि सर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है। तो विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम बुंट ने, जो कि जर्मनी के जिम्पिंग शहर में स्थापित किया था, ठीक है। विश्व की पहली प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक लैबोरेटरी किसने बनाया? सर विलियम बुंट ने बनाया जर्मनी के जिम्पिंग शहर में। कब? 1879। भारत में सर्वप्रथम प्रयोगशाला कोलकाता में बना था। कब बना था? कोलकाता में बना था, पूछ चुका ये सवाल 1916 में। और बनाने वाले या इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सर एस एन सेन गुप्त का था, ठीक है। एस एन सेन गुप्त ने इसकी निर्माण कराई थी। उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इलाहाबाद में 1942 में आचार्य नरेंद्र देव, बहुत फेमस आइडेंटिटी है ना आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में स्थापित की थी। तो याद रखना, विश्व का सबसे पहला किसने बनाया? तो विलियम बुंट ने 1879 में। कहां पर? सर जर्मनी के आप लोग जिम्पिंग शहर में, ठीक है। वहीं पर जब भारत की बात आएगी तो कलकत्ता में बना 1916 में। और किसने बनाया? एस एन सेन गुप्त ने बनाया। और उत्तर प्रदेश के हिसाब से खैर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, नरेंद्र देव ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय माप प्रवृत्ति एवं उनकी मापें, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके ऊपर भी सवाल बन जाता है, हालांकि ये मैथमेटिकल हिस्सा है। जैसे आप लोगों ने समांतर माध्य मीन पढ़ा होगा, ठीक है, माध्यिका मतलब मीडियन पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड ये सब नाम सुनते हो ना, ठीक है। तो माध्यिका माध्य माध्यिका और बहुलक, माध्य कैसे निकालते हैं? तो सारे पदों का योग बटा पदों की संख्या। माध्यिका निकालने के दो सूत्र होते हैं, जब क्या हो विषम अगर संख्या हो तो आपको क्या करना है, n+1/2 का पद लेना है। जैसे मान लो मेरे पास 5 पद है, माध्यिका मतलब बीच का पद, तो 5 का बीचों बीच का पद कौन है? सर 3 है। 5 के बीचों बीच का पद कौन है? सर 3 है, क्योंकि 3 के दाहिने साइड भी 2 संख्या है और बाएं साइड भी 2 संख्या है। तो विषम संख्या अगर होंगी तो आप लोगों को क्या करना है, n+1/2 का पद रखना है। देखो ना, 5+1 6/2 कौन सा पद? तीसरा पद कौन सा था? 3 था। समझ में आ रहा बात? ऐसे ही अगर मान लो सम संख्या होती 6 रहता, 6 रहने पे बीच का पद कौन है? अगर ये बीच का पद होगा क्या? नहीं सर, इसके लेफ्ट में 2 राइट में 3 हो गए। क्या ये होगा क्या सर? इसके राइट में 2 लेफ्ट में 3 हो गए। तो दोनों में कॉन्ट्रोवर्सी है, इसीलिए इसको हम लोग मीन की तरह निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। इसका मतलब सर n/2 का पद लेना पड़ेगा, 6 का आधा कौन? तीसरा पद। और n/2+1 का पद लेना पड़ेगा, मतलब चौथा पद। दोनों को जोड़ के आधा करोगे उसका, तब वो क्या निकलेगा? आपका माध्यिका का मान निकलेगा। समझ में आया? तो 1 से लेके 6 के बीच का माध्यिका कितना आएगा? सर 3+4/2 मतलब 3.5 आएगा। 3.5 के लेफ्ट में भी 3.5 टर्म्स रहेंगे और राइट में भी 3.5 रहेंगे, ठीक है। समझ में आया? बहुलक जो होता है सर, बहुलक क्या होता है? तो जिन पदों की बारंबार रिपीटेशन हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट करें, और अर्थात जो लंबे जो ज्यादा बार आया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे मैं 10 संख्या दे दूंगा, मान लो उसमें 4 ना 3 बार आ गया है, 2 बार आया है, 1 बार आया है, 5 बार आया है, इस टाइप से रहेगा। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वही उसका क्या कहलाता है? बहुलक। सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज आपके क्लास में कंसिडर करना था, और वो है अधिगम आशक्ता। अधिगम आशक्ता कौन कौन से बीमारियां आप लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ छात्र पढ़ने लिखने मौखिक व्यक्ति व्यक्ति शब्दों की वर्तनी करने गणित एवं तार्किकता को समझने आदि में अशक्त अथवा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम आशक्ता कहा जाता है। और अधिगम आशक्ता के कई प्रकार हैं। जैसे पहला अफेनिया, क्या बोलेंगे सर? अफेंसिया या अफेनिया? तो अफेंसिया के बारे में समझ लेना कि इसमें अल्फाज की बात हो रही है। अल्फाज मतलब बोलने की अक्षमता रहेगी। क्या रहेगी सर? बोलने की अक्षमता। तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आशक्ता को अफेजिया कहा जाता है, जिसे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना, हमने ऐसे बहुत से व्यक्तित्व देखे हैं, टीचर भी देखे हैं, जिनके पास प्रकांड ज्ञान है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि शब्द की उनकी पास क्षमता नहीं है। कारण क्या है? वो किस रोग से ग्रसित है? या बच्चा जो है वो रिटन पेपर में बहुत अच्छे स्कोर कर देता है, बट जब उससे बोलने को कहा जाता है उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है, उसके शब्द ही उसका साथ नहीं देते हैं, तो वो क्या है सर? अफेजिया है, ठीक है। फिर आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होगा सर? ध्यान से समझेंगे, ठीक है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। किससे सर? पठन विकार से है। क्लियर हो गया?
ये भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता है, ये पठन विकास है जिससे बच्चे को लिखने पढ़ने शब्द पहचानने समझने याद करने अक्षरों को क्रम में पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है और डिस्लेक्सिया में पीड़ित बच्चे बी और डी और वॉज न्यूक्लियस अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये फैक्ट रहेगा कि जब सेम टाइप के वर्ड्स आए तो बच्चा उसमें अपने आप को असहज महसूस करेगा, वो कौन सा है तो सर वो डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब इसको याद करने का लाइक में लेक्सिया छुपा है, लाइक मतलब एक समान, डिसलेक्सिया मतलब या डिसलाइक का मतलब होता है एक समान चीजों को जो नहीं पकड़ पा रहा है, तो वहीं से याद रखना डिसलेक्सिया। अल्फेजिया में क्या था सर, अल्फाज थे तो जो अल्फाज ना बोल पाए वो अल्फेजिया, और जो डिसलेक्सिया था लाइक चीजों को ना पकड़ पाए वो डिसलेक्सिया। ठीक है, अप्रेक्सिया ये इसी को डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं हो पाता, वह हाथ एवं आंखों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया का मतलब ही होता है कि आपके जो बॉडी पार्ट है वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाना है मतलब कहां बनाते हो, लिखते हो ना ग्राफ के थ्रू, तो आप लोग को लिखने संबंधी बीमारियों में आएगा ये, तो डिसग्राफिया लिखने संबंधी आशक्तता को कहा जाता है। डिसग्राफिया किसको कहा जाता है सर, लिखने संबंधी आशक्तता को कहा जाता है, इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती, सामान्यतः इसके कारण हाथ हथेली अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम आशक्तता संभव है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में सामान्यतः यही होता है। एक बात और बताता हूँ, जैसे लिखने संबंधी बात आया, आपने नोटिस किया होगा कि जो राइट हैंडेड होते हैं लोग और जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, अमूमतः ऐसा देखा जाता है, हर बार की जरूरत नहीं है बट 100 में से 80% केस में ऐसा ही होता है कि लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन है उनकी स्पीड राइट हैंडेड पर्सन की स्पीड से ज्यादा होती है लिखने की स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। वी डिसकैल्कुलिया, नाम में ही कैलकुलेशन छुपा है, जब नाम में ही कैलकुलेशन छुपा है मतलब आप समझ गए कि यहां पर जो गणनाएं हैं या जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको करने में हमारा जो बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा, असक्षम रहेगा। ये एक ऐसा अधिगम आशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसे न्यूमेनेक्सिया भी कहा जाता है। डिसकैल्कुलिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया, लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, प्रोटोनोस्टिक डिसकैल्कुलिया आदि। मतलब जब गणित से आपको भारी विद्रोह हो तो आप समझ जाना कि उसमें गणित की दिक्कत नहीं थी, डिसकैल्कुलिया नाम की बहुत जबरदस्त आसक्ति से आप ग्रसित हैं। यस और नो? ठीक है सर, नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाहर नहीं आएगा सर सवाल, तो ध्यान देंगे सभी लोग। हम पढ़ रहे डिसमॉर्फिया। इसमें क्या होता है, तो डिसमॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जैसे व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कुछ अंग बहुत या अपूर्ण है, या तो ज्यादा है या तो इनकम्प्लीट है, वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, वो लर्निंग कैपेसिटी पे पड़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस लोगों की तुलना में क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का शारीरिक लंबाई ज्यादा नहीं खींचा गया तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हमेशा करता ही है, जहां लंबे लंबे लोग रहेंगे वहां थोड़ा सा उसको कुछ क्षण के लिए ही सही, पर उसको लगेगा कि अरे यार काश, तो ऐसे में उसका कॉन्फिडेंस घटते जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं शारीरिक विकार को लेकर कॉन्फिडेंस का गिरना, अधिगम की लर्निंग की कैपेसिटी एबिलिटी में कमी आना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, डिसमॉर्फिया के नाम से जानेंगे। ठीक है, डिसमॉर्फिया। चलिए अब कुछ एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड कुछ शब्दों को ध्यान से देख लेंगे। तो बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, वेरी इंपॉर्टेंट वक्तव्य है ये, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निश्चित होता है। ये किसके शब्द थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट वुडवर्थ के शब्द थे, पहले भी मैंने इनको पिछले वीडियोस में भी बताया होगा। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अनुभववादी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज या साफ स्लेट के समान होता है। ये किसके शब्द थे, ये सब इंपॉर्टेंट है सर, वक्तव्य है सब, जॉन लॉक के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं विश्व के। ये नाजिज्म शब्द का प्रयोग स्वप्रेम की भावना के लिए फ्रायड ने किया था, जबकि आपको पता है नाजिज्म, हिटलर नाम आता है ना नाजिज्म सुनते ही। ठीक है, स्टेनले हॉल,
स्टेनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, याद है ना, हॉल में जाने पर आवाज रिपीट करेगा। ने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वक्तव्य ना। और एंडोलेंस जी एस हॉल की चर्चित पुस्तक का नाम है, एंडोलेंस जी एस हॉल, सॉरी जो एंडोलेंस है, एंडोलेंस का मतलब ही होता है सर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था नाम की पुस्तक को किसने लिखा था, सर हॉल ने लिखा था, उनकी चर्चित पुस्तक का नाम है। तो एंडोलेंस पुस्तक के रचयिता तो सर हॉल है, और जो किशोरावस्था है तूफान संघर्ष दुनियादारी तनाव का अवस्था है, ये किसने कहा था, सर स्टेनले हॉल ने ही ये वक्तव्य भी दिया था। चलिए अगला ध्यान से, स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने माना कि व्यक्ति जन्म से क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमाणित व्यक्ति प्राणी है, ठीक है। जीन पियाजे जर्मनी के समीक्षावादी विचारक कोट के अधिक निकट हैं, जो ज्ञान के निर्माण में बुद्धि एवं अनुभव दोनों का योगदान मानते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा जो जन्म से आता है ना, कौन सा बच्चा है, किस लेवल का होगा, उसकी उड़ान कितनी ऊंची होगी, जीन पियाजे जी ने क्या कहा है कि भैया वो बचपन में ही क्लियर हो जाता है, इसलिए कहा जाता है ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो ऐसा जीन पियाजे का मानना है। वहीं पर अभी आपने पीछे देखा कोरा कागज सफेद स्लेट कहा गया, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग अपनी राय रहती है। बुद्धिवादी विचारधारा क्रमशः रेने डेकार्ट, स्पिनोजा और लिबनित्ज यह मानते हैं कि ज्ञान एक जन्मजात या सहज प्रत्यय है, ठीक है। अनुभववादी विचारक क्रमशः लॉक, बर्कले, यूम यह मानते हैं कि उनका विकास बाह्य अनुभव से प्राप्त सूचना के आधार पर होता है। और यही विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम बुंट ने, अभी अभी आपने पढ़ा था, जर्मनी में साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किया, कब, 1879 में। और भारत में सर्वप्रथम प्रयोगशाला बनाई गई कलकत्ता में 1916 में, ठीक है। जैसे सेनगुप्त थे उन्होंने बनाया, और ये विलियम बुंट ने बनाया था जर्मनी में, ठीक है। अभी पढ़ लिए थे कोहलर, कोहलर का प्रसिद्ध कथन क्या है, सर कोहलर का प्रसिद्ध कथन है कि कल्पना जितना अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। आजकल का हम लोग का बच्चे लोग का पढ़ाई कैसा हो गया सर, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है ऐसा सोच के पढ़ते हैं, इसलिए अचानक से कुछ आ जाता है एग्जाम में जो आप लोग पढ़े नहीं रहते हैं, वो लोग उनमें बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमारे जनरेशन में जब पढ़ाई होती थी तब ये तो हम सीखते ही नहीं थे ना कि ये सर इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, सिलेबस है, किताबें हैं, आपको पूरा पढ़ के जाना है, मल्टी टाइम्स रिविजन करके जाना है। तो उससे क्या होता है कि फिर हम आगे भी जब अगली क्लास में भी जाते थे तो हमारे पास पीछे का ज्ञान जुड़ता था, है ना, नवीं का ज्ञान दसवीं में, दसवीं का ज्ञान ग्यारहवीं में, ऐसा जुड़ता था और वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता था, आगे की चीजें आसान होती थी। यहाँ सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि हम लोग समय इन्वेस्ट करते थे। सूझ बोला गया ना, कल्पना जितना अधिक होगा, समय को सिलेबस को सब्जेक्ट को लेकर जितना ज्यादा आप उसमें समय दोगे आपकी उस सब्जेक्ट के प्रति जो सूझ है उसकी क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। किसका कथन है सर, कोहलर का प्रसिद्ध कथन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बड़े सारे इंपॉर्टेंट हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया, यहाँ तक की जितनी भी पढ़ाई अगर आप अच्छे से कवर करके रख लेते हैं तो इसके ऊपर हम लोग कुछ MCQ सीरीज चलाएंगे, उसको अगर आप लोग कर लीजिए मोस्टली क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे संभव है कि वो आप लोगों से बन जाए, ठीक है। इसी आशा और विश्वास के साथ ये जो थ्योरी वाला जो पूरा सेशन था इसको अपन यहाँ पर रोक रहे हैं, ठीक है। बहुत कम वीडियोस में ही हमने लगभग एक ओवरव्यू या ऊपर ऊपर से घूमकर हम लोग चले गए हैं, MCQ लगाएंगे तो चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।